हेलो गाइस, वेलकम टू अनलीश। सो आज हमारा पहला कंपैरिजन वीडियो है अमेरिकन डॉबरमैन और यूरोपियन डॉबरमैन के बीच में, ठीक है। तो आज फिर से पुनीत भैया और दुष्यंत भैया, ठीक है, आज हम इनसे जानेंगे कि यूरोपियन और अमेरिकन डॉबरमैन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अमेरिकन डॉबरमैन जो है, इसकी अपेयरेंस की बात करें तो आप मतलब कैसे बताएंगे कि थोड़ा अपेयरेंस के बारे में बताएं अमेरिकन डॉबरमैन की। थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, इनकी चेस्ट थोड़ी नैरो होती है, फेस भी देखो आप इसका, और यूरोपियन का फेस देखो इससे डबल ही है, और थोड़े टेम्परामेंट में इनसे मतलब स्मूथ होते हैं ये थोड़े यूरोपियन के हिसाब से। अच्छा, अगर कोट वोट तो इनका सेम ही होता होगा उसमें, तो आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं होता। कोट तो सेम ही है, कलर्स भी सेम आते हैं, बस ये थोड़ा इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है, यूरोपियन का डार्क होता है। अच्छा, सो दुष्यंत भैया, हाँ जी, जो अपना यूरोपियन डॉबरमैन है, आप इसकी अपीयरेंस के बारे में बताएं। इसकी भैया बेसिकली अमेरिकन यूरोपी दोनों ही डॉबरमैन है, बट द थिंग इज दैट कि इसमें और उसके जो अपीयरेंस है, ये मस्कुलर डॉग है, इससे ज़्यादा मस्कुलर है, हैवी बोन है, इसकी चेस्ट ब्रॉड है और बोन्स थिक हैं, हाइट में भी थोड़ा फ़र्क है इसकी, तो इसे मैं कहूँगा लीन बिल्ट, इसे मैं कहूँगा मस्कुलर बिल्ट, और ये थोड़े इनका टेम्परामेंट भी इससे ज़्यादा हाई है, अमेरिकन से ज़्यादा हाई टेम्परामेंट है। ओके, अच्छा, तो पुनीत भैया, अगर हम इनकी एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, तो आप इनकी एक्सरसाइज नीड के बारे में बताएं अपने डॉग की। भैया एक्सरसाइज तो दोनों को ही बराबर चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिकन है यूरोपियन, एक्सरसाइज दोनों को ही बराबर चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस साथ में रहते हैं डॉग्स, अगर तो मतलब आपने क्या डिफरेंस नोट करा है दोनों के बीच में। भैया वैसे थोड़ा एग्रेसिव कम होता है अमेरिकन। ओके, यूरोपियन एग्रेसिव ज़्यादा होता है, थोड़े फूडी होते हैं यूरोपियन, अमेरिकन थोड़े चूजी होते हैं। ओके, अगर वैसे जब आप एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह कराते हो, तो कौन सा इन दोनों में से ऐसा कौन सा डॉग है जो पहले थक जाता है, और फिर कौन सा जिसकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म नहीं होती। अमेरिकन की थोड़ी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये स्लिप एंड ट्रिम डॉग है। नहीं तो यूजली तो कहते हैं यार अमेरिकन डॉग होते हैं वो तो ये अपने शो लाइन वाले होते हैं यार, ये तो थोड़ा बहुत ही खेले, थोड़ा वेट ज्यादा होता है ना। अच्छा, तो थोड़ा जल्दी थक जाता है। यूरोपियन है वर्किंग लाइन। अच्छा, ये ब्रीड इसलिए किए गए थे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी फैमिली जहाँ भी फार्म्स जहाँ पे भी, तो इसका स्टेमिना अनबीटेबल है। ये बेसिकली ब्रीड किया गया है, ये शो डॉग, ये इतना पावर इसमें नहीं है अगर हम देखें गार्डिंग के पर्पज से, तो ये जल्दी थक जाएगा। तो अगर इनके खाने की बात करें डाइट की दोनों की, तो उसमें क्या मतलब आपने नोटिस किया है, दोनों की डाइट सेम रहती है या डाइट सेम रहती है, इसकी थोड़ी यूरोपियन की ज़्यादा होती है। अच्छा, मतलब भी इसमें आई थिंक मोर प्रोटीन होता होगा इसके, उसमें इसकी यूरोपियन की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हाई है। अच्छा है। ओके, डाइट एक्सरसाइज नीड्स हर चीज़ इसकी ज़्यादा है इससे। अच्छा, ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है कभी दोनों आपस में, मतलब इनके आपस में अथॉरिटी को लेके थोड़ा हुआ कभी? नहीं नहीं, दोनों ही आपस में साथ रहते हैं स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ऐसा कभी नहीं हुआ? और कभी कहीं मतलब ऐसा हुआ कि कोई मतलब इन्होंने बात ना मानी हो? इन दोनों में से ऐसा कौन है, पहले तो सबन कौन है दोनों में से? नहीं नहीं, दोनों बात मानते हैं, दोनों ज़्यादा लॉयल हैं, मतलब हर चीज़ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, जैसे कमांड दोगे वैसे समझ जाते हैं। अच्छा, अगर इनके आई थिंक इनके ईयर होते हैं शो लाइन के थोड़े अमेरिकन के थोड़े छोटे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इसके थोड़े हमने छोटे ही कट कराए थे। अच्छा, ये आपके बड़े भी करा सकते हैं। अच्छा, क्रॉप की वजह से ये सब अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करा सकते हैं। लॉन्ग ईयर्स में ना थोड़ी सी भैया वो आती है, प्रॉब्लम आती है। ओके, वो फॉल करने लगते हैं, उनका टेक्सचर खराब होने लगता है। तो आपने मतलब लोग जैसे नेचुरल भी रखते हैं, तो आपने ये क्रॉप क्यों कराए हैं दोनों डॉग्स को? बस भैया लुक्स की वजह से कराया, ऐसे कोई आजकल भी डॉबरमैन ट्रेंडिंग में है, तो उसकी आपको टेल डॉग भी मिलेगी और ईयर्स क्रॉप भी। इंस्टाग्राम पे तो यार छाए हुए हैं डॉबरमैन, तो बिल्कुल ओल्ड लाइंस डॉबरमैन कोई भी हो चाहे न्यू लाइन कुछ भी कह लो, आजकल अच्छे अभी लगते हैं डॉबरमैन जब क्रॉप ईयर्स होने चाहिए, टेल होनी चाहिए, एक फियर्सिंग लुक आता है इनमें। ये अपना, अच्छा इनके कलर की बताएं तो ये कलर अपना है ब्लैक एंड टैन, और ये कलर कौन सा, इसको क्या कहते हैं, ब्राउन बोलेंगे, लीवर बोलते हैं, ब्राउन बोल सकते हैं, ब्राउन एंड टैन रस्क कहते हैं। ओके, इसमें और भी कलर्स आते हैं क्या डॉबरमैन में? ये मोस्टली तो ब्लैक और ये रेड ही आते हैं, ब्लैक रेड फॉन और ब्लू भी आते हैं अमेरिकन में, वाइट अमेरिकन में। अच्छा भैया, इन दोनों ब्रीड में से कौन सा आप रिकमेंड करोगे, मतलब एज अ फैमिली पेट कौन सा बेस्ट सूटेड है डॉग? एज अ फैमिली पेट तो भैया मैं रिकमेंड करूंगा अमेरिकन डॉबरमैन पिंचर। अच्छा,
थोड़ी भी इसमें ये पावर इसमें थोड़ी कम होती है, थोड़ा कोई इसको अगर घुमाएगा भी तो थोड़ा बंदा इसको एडजस्ट कर लेता है। यूरोपियन को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर, यूरोपियन भी वर्किंग लाइन है, इसे स्पेस ज़्यादा चाहिए, पावर एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए, ओनर को थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी को हैंडल करने के लिए मतलब ओनर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक्सपीरियंस वाला जो आप कह रहे हैं यूरोपियन के साथ, क्या वो सेम चीज़ अमेरिकन डॉबरमैन में भी अप्लाई होती है कि उसके लिए भी एक ओनर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए? एक्सपीरियंस तो अमेरिकन के लिए भी चाहिए। अच्छा, वो बेसिक डॉग का होना चाहिए, डॉबरमैन पाल नहीं सकता। अच्छा, इसको थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है भैया। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि कोई अगर स्ट्रेंजर से या अपने फैमिली पे कोई थ्रेट आता है ना, सो कहते हैं कि अमेरिकन डॉबरमैन होते हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू रिट्रीव, वो जाएंगे, हो सकता है उस पर डेंजर पे अटैक ना करे, वापस आता है। लेकिन यूरोपियन होते हैं वो चले जाएंगे, ऐसा है कुछ आपने नोटिस करा कभी? ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ कि कभी दोनों ने कन्फ्रंट करा किसी सिचुएशन को? हुआ था भी ये सिनेरियो। अच्छा, एक्चुअली एक स्ट्रेंजर आया था। ओके। कुछ आया था काम से, अपना बैंक के काम से आया था, तो ये अपना ब्लैक अमेरिकन ये बस बात करता है कोई स्ट्रेंजर को देख के। अच्छा। जो हमने इसका देखा टेम्परामेंट, ये सीधा अटैक करता है ये। okay. अब आप बैठे हो जैसे अभी, ठीक है इसका टेम्परामेंट, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, मैं आते ही करा दिया था, नहीं तो ये अटैक करता है सीधा। वो सिर्फ बात करता है, वो आपको बता देगा स्ट्रेंजर आया है। अच्छा, वो आई थिंक वो बेस्ट सूटेड है वॉच डॉग। वॉच डॉग, और ये है प्रॉपर गार्ड अटैक डॉग, वर्किंग ये कैच डॉग है भैया, उसने बता दिया और ये जाके अटैक के उसको एलिमिनेट कर देगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और बाकी एनिमल्स के साथ अगर आप बताएं कि इन दोनों डॉग्स का मतलब कैसा टेम्परामेंट है, अगर आपने जैसे बाहर सोशलाइज कराया होगा तो दोनों का सेम है? दोनों का सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें? क्या सामने अगर इनके ऊपर कोई बात करेगा फिर ये एग्रेसिव हो जाते हैं। अब वो तो ऑब्वियसली वो चैलेंजिंग वाली बात होगी, पर मतलब आपने जैसे सोशलाइज किया हुआ है भैया, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की, वो सारी चीज़ें सोशलाइजिंग के ऊपर होती है, कोई डॉग अग्रेसिव नहीं होता, वो सब कुछ ओनर के ऊपर होता है कि आपने डॉग को सोशलाइज कैसे करा है। और जैसे एक ना लोगों के दिमाग में बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि ना सोशलाइज कराने से ना डॉग हमारा ना वो हो जाएगा कि डॉबरमैन बिना लैब्राडोर बन जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। हाँ, वो एक वो आई थिंक वो एक गलत है। हाँ जी, वो गलत यार, ये इसके खून में है, ये गार्ड डॉग है, आप इसको सोशलाइज करके आप इसका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप कर रहे हो। आप ये दोनों डॉग्स हैं, इनका देखिए कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो इसीलिए क्योंकि इनको सोशलाइज कराया है। अगर आप सोशलाइज नहीं कराते तो ना तो मैं यहाँ बैठ पाता, ना दोनों आपस में बैठ पाते। सो गाइज, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।